दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ़ोन पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, रिचार्ज करना बहुत ही आसान है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सिंपली से आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन में जाना है। तो मैं अपने फ़ोनपे में जाता हूँ। फ़ोनपे में जाने के बाद आपको क्या आएगा, सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए मोबाइल रिचार्ज का जो ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स आपको, यहाँ उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ आपका सर्च नंबर सेलेक्ट कर सर्च करना है। तो मैं ये आपका नंबर डालता हूँ कोई एक, और नंबर डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ क्या करना है, आपका जो सिम है आपके भाई या किसी का या आपको खुद का, आपको यह देखिए आपको से यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से चेंज भी होता है, ऑपरेटर चेंज भी होता है। तो यह इसका एयरटेल है तो मैं एयरटेल सेलेक्ट करता हूँ। और आ गया था आइडिया। और आने के बाद आपको व्यू प्लान्स पर सेलेक्ट करना है। आपको डायरेक्टली रिचार्ज मालूम है कितने का करना है तो आप डायरेक्टली अमाउंट डाल सकते हैं। और आपको प्लान देखने है इसमें क्या क्या ऑफर्स है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए रिकमेंडेड में ऑफ़र है, क्या क्या ऑफ़र है, और वो यहाँ पॉपुलर ऑफ़र अनलिमिटेड कौन सी है, डाटा की कौन से पैक से, स्मार्ट पैक कौन से, टॉक टाइम, इंटरनेशनल रोमिंग, SMS, ISD, सभी अलग अलग पैक है जो आपको जो सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको जो पैक है उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यह आपको देखना है कम रिचार्ज पर क्लिक करना है। आपको आपके जो आपकी भीम की UPI ID है उससे रिचार्ज डेबिट करना है या डेबिट कार्ड से आपको यह पिन डालना है या क्रेडिट कार्ड से। तो मैं यहाँ भीम UPI से करना चाहता हूँ। तो आपको रिचार्ज पर क्लिक करना है। रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ आपका इंटर UPI पिन डालना है, जो आपका UPI पिन है। तो यह UPI पिन डालने के बाद देखिए फ्रेंड्स आप क्या करिए, यहाँ UPI पिन डालने के बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, ये राइट का डालने के बाद आपको रिचार्ज ट्रांजेक्शन कंप्लीट दिखाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप रिचार्ज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।